Hi everyone, my name is Sapna and today I will be talking on new criticism. First of all, what is new criticism? New criticism hai kya? New criticism is a theory which focuses on text rather than historical event and biographical background of author. न्यू क्रिटिज्म क्रिटिसिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो टेक्स्ट पे फोकस करती है, ना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उस टाइम पे और जो ऑथर है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या सोच के लिखा था. उस थ्योरी को हम न्यू क्रिटिसिज्म कहते हैं. फ्रॉम वेयर दिस टर्म न्यू क्रिटिसिज्म वाज कॉइंड. जो न्यू क्रिटिसिज्म टर्म है वो कहाँ से कॉइन हुई थी? टर्म was taken from John Crow Ransom's work The New Criticism in 1941 में John Crow Ransom का एक वर्क आया था New Criticism के नाम से, तो वहाँ से ये टर्म कॉइन हुई थी. बाकी जो New Criticism के मेन प्रोपोनेंट हैं वो हैं आई ए रिचर्ड्स, उन्हीं के वर्क से New Criticism स्टार्ट हुआ था. और नोटेबल क्रिटिक्स कौन कौन है? आई ए रिचर्ड्स, क्लेनेथ ब्रूक्स, रॉबर्ट पेन वेरन, विलियम विम्सेट एंड मोनरो बियर्ड्सली एट्सेट्रा. न्यू क्रिटिसिज्म का मेन आर्ग्यूमेंट था क्या, हम वो समझते हैं. न्यू क्रिटिसिज्म आर्ग्यूड दैट द ऑथर्स इंटेंशन बिहाइंड अ वर्क इज फार लेस इम्पोर्टेंट देन द मीनिंग जनरेटेड बाई द लैंग्वेज, स्टाइल एंड फॉर्मल फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट. न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि हमें इस चीज़ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें इस चीज़ से ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि ऑथर का इंटेंशन क्या था वर्क लिखने के पीछे. हमें हमारा जो मेन फोकस है ना वो टेक्स्ट होना चाहिए, उसमें उसकी लैंग्वेज क्या है, स्टाइल क्या है और फॉर्मल फीचर्स क्या हैं टेक्स्ट के. ऑल वी नीड इज वर्ड्स ऑन द पेज एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. अब एक टर्म आती है ऑटोटेलिक टेक्स्ट. ये होता क्या है? ए टेक्स्ट फ्री फ्रॉम ऑथर्स क्लास, जेंडर, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, रेस और इकोनॉमिक कंडीशन, विच इज ऑटोनोमस इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस. ऑटोटेलिक एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो फ्री होता है कि ऑथर का बैकग्राउंड क्या है. ऑटोटेलिक आप कह सकते हैं अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज होता है जो न्यू क्रिटिक्स को चाहिए, वो ही सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में होता है, उनको उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता. देन ऑन व्हाट थिंग्स न्यू क्रिटिक्स शुड फोकस ऑन. अब हमने बात तो ये कर ली कि न्यू क्रिटिक्स किस पे फोकस नहीं करते, तो अब हम बात करते हैं न्यू क्रिटिक्स को फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए. न्यू क्रिटिक्स पेड क्लोज अटेंशन टू द लैंग्वेज ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज, सॉरी लिटरेरी टेक्स्ट फॉर्म, स्टाइल, पैराडॉक्स, एम्बिग्विटी, इमेज एंड मेटाफर, मीटर, साउंड एट्सेट्रा. ये इसमें लैंग्वेज दो बार गलती से टाइप हो गया, सॉरी. न्यू क्रिटिक्स का इसमें कहते हैं कि वो क्लोज अटेंशन देते थे किसको, टेक्स्ट का जो फॉर्म क्या है, स्टाइल क्या है, पैराडॉक्स, एम्बिग्विटी, इमेज, मेटाफर, जितने भी फिगरेटिव चीज़ें यूज होती हैं उन पे फोकस करते थे वो. सम फेमस एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन बाई न्यू क्रिटिक्स, आइए कुछ फेमस एग्जाम्पल्स देखते हैं. सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी बाई विलियम एम्पसन, जो कि आया था 1930 में. द वेल रोट अर्न 1947 बाई क्लेनेथ ब्रुक्स. द वर्बल आइकन बाई विलियम के विम्सेट. अब हम इस चीज़ को पूरा समअप कर लेते हैं. हमने बात कर ली कि मेन प्रोपोनेंट्स कौन कौन थे, न्यू क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन क्या है, उनका मेन आर्गुमेंट क्या है, तो अब लास्ट में समअप करते हैं. तो लास्ट में समअप करने पे पहला पॉइंट आता है न्यू क्रिटिक्स फोकस ऑन क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. सेकेंड पॉइंट, फॉर देम टेक्स्ट इज एवरीथिंग. और एक अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एक न्यू क्रिटिसिज्म क्या था उसका एग्जांपल लें तो वो होता है कि जैसे हम स्कूल में कॉलेज में हमें अनसीन पैसेज दिए जाते थे एनालाइज करने के लिए, एग्जाम में और बोला जाता था इनको एनालाइज करके बताओ.
वही वही न्यू क्रिटिसिज्म है। उसमें हमें क्या पता होता था, अनसीन पैसेज में ना हमें ऑथर के बारे में पता होता था, ना वर्क का नाम पता होता था, ना ही कोई हमें और चीज़ें पता होती थी। हम सिर्फ उस पैसेज को रीड करके क्वेश्चंस के आंसर देते थे। वही न्यू क्रिटिसिज्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।